यह केसिया बहार पंचायत का उप स्वास्थ्य केंद्र है। आइए अभी हम केसिया बहार पंचायत के उप स्वास्थ्य केंद्र में हैं। आइए अंदर चल के देखते हैं कि उप स्वास्थ्य केंद्र में क्या-क्या दिक्कत दिखाई दे रही है। चापाकल खराब हो गया है, पानी का दिक्कत है। कोई अगर बीमार लोग आएगा तो पानी नहीं मिलेगा, इसलिए इस चापाकल को ठीक कीजिए। लाइन चापाकल खराब हो गया है, पानी का दिक्कत है। कोई अगर बीमार लोग आएगा तो पानी नहीं मिलेगा, इसलिए इस चापाकल को ठीक कीजिए। लाइन यह केसिया बहाल उप स्वास्थ्य केंद्र का समस्या है। यहाँ पर गेट नहीं है, चापाकल खराब है और यहाँ का जो लेटरिन बाथरूम है वो भी पूरी तरह से टूट फूट गया है। लाइन का भी व्यवस्था नहीं है, जो कि इसका बगल में लाइन जलता है, फिर भी उप स्वास्थ्य केंद्र में लाइन नहीं है। इसको वजह से लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। उप स्वास्थ्य केंद्र में यहाँ पर लाइन का सुविधा होना चाहिए, पानी का सुविधा होना चाहिए, शौचालय लेट्रिन बाथरूम का भी सुविधा होना चाहिए और ठीक ढंग से इलाज होना चाहिए। सभी प्रकार की दवा भी होना अनिवार्य है। उप स्वास्थ्य केंद्र में यहाँ पर बेड का भी सुविधा नहीं है, लेट्रिन बाथरूम पूरी तरह से टूट गया है, पानी का भी समस्या नहीं है, बिजली का भी समस्या है। और यह समस्या से जुड़े ये 17 गांव के लोगों का परेशानी आ रहा है, जो कि रात बिरात के किसी का डिलीवरी होने के रहता है। तो यहाँ से सदर हॉस्पिटल दुमका 15 किलोमीटर दूरी है, जो कि ले जाने में लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। यह गरीब व्यक्तियों को ज़्यादा परेशानी होता है, जो कि मतलब यहाँ पर ठीक ढंग से इलाज नहीं होने के वजह से गरीब व्यक्ति के भी मौत भी हो जाता है। बेसी ভালো নাই, জায়গাটা লাইন না ই নাই, সুবিধা হচ্ছে না, বাথরুম লেট্রিন সুবিধা হচ্ছে, চাপাকল ঠিক নাই, খারাপ খারাপ মিলছে, সুবিধা নাই। এখানে কাছে আছে সদর হসপিটাল, চলে এসে ওখান সদর হসপিটাল এখান থেকে আছে, আসান হচ্ছে, ওখান চলছে তো রাত বিরাত কষ্ট হচ্ছে, সেই জন্য এখানে সুবিধা হচ্ছে না, সেই জন্য দুমকা নাই। 7 দিন পরে ডাক্তার ভালো করে ইলাজ হোক, ওষুধ বাড়ি পড়ুক। ग्रामीणों के साथ एक बैठक की और आवेदन तैयार किए। मिलने के लिए हम वहाँ पर ब्लॉक में प्रखंड चिकित्सा से मिलने जाएंगे और वहाँ पर मिल के बात विचार किए। उन्होंने बताया कि मैं इस पर चेक चाक करती हूँ, उसके बाद मैं आपको नंबर आप दे दीजिए तो मैं बात करके आपको बताऊँगी। आप सभी वीडियो देखने वाले दर्शकों से निवेदन करती हूँ कि इस वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो कि सरकारी अधिकारियों तक पहुँच सके।